वेलकम दोस्तों, मेरा नाम कैलाश नाथ, गाँव भवनपुरा पोस्ट लेगे जिला भोजपुर राजस्थान। तो दोस्तों मैं गया था कांगरी गांव में, नदवी तहसील में, कांगरी गांव जिला भरतपुर में। तो दोस्तों वहां से मैं कोबरा स्नेक का जोड़ा और एक घोड़ा पछाड़ में पकड़ के लाया हूं दोस्तों। तो अब लाया हूं मैं घना पक्ष घना केवला देव में। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये तीन स्नेक है, अब मैं इनको छोड़ने के लिए आया हूँ। तो दोस्तों आप हमारे साथ बने रहिए, अब मैं घने के गेट पर और अब मैं अंदर एंट्री करने जा रहा हूँ मैं। तो वो मेरा पकड़ते हुए वीडियो था, अब ये आप वीडियो देखोगे तो ये हमारा छोड़ते हुए। अच्छा दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। कैसे पकड़े भैया, दिखाइए तो वीडियो बता देने पकड़ते हुए। दोस्तों आप देख सकते हो मैं घने के अंदर मैं एंट्री कर चुका हूँ और मेरे साथ में आज कोई दूसरा कोई बंदा नहीं है जो मतलब मोबाइल को मेरे को पकड़ के वीडियो बना सके। इसलिए दोस्तों मैं एक हाथ से वीडियो बना रहा हूँ और एक हाथ से इन तीनों सांपों के लिए, इन बेजुबानों के लिए मैं इधर छोड़ने के लिए आया हूँ, रिलीज करने के लिए आया हूँ। दोस्तों मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं इन बेजुबानों को मनुष्यों के बीच में से ले जाकर इस हरे भरे घने जंगल में, ये भरतपुर का घना केवला देव है, इसमें मैं छोड़ने को आया हूँ, तो मुझे बहुत खुशी होती है। अब ये बेजुबानों के लिए मुझे इससे अच्छी जगह कुछ और नहीं मिली, इसलिए मैं इधर लेकर आया हूँ। और दोस्तों आप देख सकते हो ये एक ये बामी है और इधर है क्या, देखो अब ये हरा भरा काफ़ी काफ़ी बड़ा ये जंगल है दोस्तों। तो अब आप हमारे साथ बने रहिए। तो दोस्तों ये मुझे है क्या, उसमें ये खांगरी गांव है नदवी तहसील में। तो दोस्तों जब भी कभी मेरे पास में किसी का फ़ोन आता है तो दोस्तों मैं तुरंत पहुंचता हूं उधर पकड़ने के लिए। तो आप देख सकते हो दोस्तों ये स्नेक है क्या है, ये कोबरा स्नेक, अब इसको मैं छोड़ने आया हूं इधर। ये देखो ये बामी बनी हुई है। तो दोस्तों ये देखो कितना शानदार, कितना अच्छा, एकदम इनका अच्छा तरीका, एकदम बहुत ये भोले बाबा के गले कारण। देखो दोस्तों ये इस बामी के अंदर में ये घुसते हुए। तो दोस्तों मैं एक स्नेक को रिलीज कर चुका हूं और दोस्तों अब मैं दूसरे भी सांप को अब छोड़ने वाला हूं। तो दोस्तों मैं एक हाथ से वीडियो बना रहा हूं और एक हाथ से इनको खोल खोल के इन गट्टों का मुंह छोड़ रहा हूं। तो दोस्तों मेरा नंबर है 90-24-25-06-18, कभी भी इस नंबर पर आप संपर्क करोगे तो दोस्तों मेरे से बात होगी, मैं तुरंत वहाँ पर पहुँचता हूँ। तो ये देखो दोस्तों ये कोबरा स्नेक, इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा, ये काफ़ी ख़तरनाक होता है दोस्तों। इसके काटने से और कुछ नहीं, आदमी मर जाता है, और दोस्तों अगर समय पे इलाज हो जाए तो वो आदमी बच भी जाएगा। कभी भी किसी भी सांप में ऐसा झहन नहीं होता कि आदमी तुरंत मर जाए, उनमें काफ़ी समय लगता है मरने में, कम से कम 2 घंटे का टाइम ले जाता है आदमी अगर घबराए नहीं तो। तो दोस्तों और भगवान नहीं करे कभी किसी के साथ ऐसा हो, अगर होता है तो दोस्तों उसको जिला अस्पताल में जाए, तुरंत उसको आराम मिलेगा, ठीक हो जाएगा वो। अब दोस्तों मैं इसको लाया हूँ, देखो ये घना केवला देव के अंदर ये सांपों की बामी बनी हुई है, क्योंकि और वैसे जंगलों में तो आप जानते हो, देखते हो दोस्तों कि उधर नहीं मिलेगी, पर ये वन्य जीव हैं इसलिए ये बामी इधर मिलेगी। इसलिए मैं मुझे इससे अच्छी सुरक्षित जगह कुछ और नहीं मिली, इसलिए मैं इनको यहाँ पर छोड़ने आया हूँ। तो दोस्तों मैं 2 सांप है क्या इधर छोड़ चुका हूँ और तीसरा अब आपके सामने जैसा है वो आप देखोगे। तो नेक आप यूँ बनाएंगे, तो दोस्तों कांगरी गांव में उन्होंने क्या है, पहला एक स्नेक मार दिया था, उसके बाद में ये फिर उन्हें दिखाई दिए तो फिर उन्होंने मारा नहीं और मेरा नंबर उन्हें मिला। तो दोस्तों तुरंत मैं उधर पहुंचा और पहुंचने के बाद में फिर वहाँ से पकड़ के इन्हें तुरंत ले आया। तो दोस्तों बिना चोट पहुँचाए मैंने इनके लिए पकड़ा। और दोस्तों ये घोड़ा पछाड़ सांप है, इसके काटने से मरेगा नहीं आदमी, इनके काटने से खाली इन्फेक्शन हो सकता है। दोस्तों घबराए के मरे नहीं, अगर घबराए के मर जाए तो किसी के पास इलाज नहीं होता, इसलिए दोस्तों आप बड़ी पहचान करें बड़े प्रेम पूर्वक। ये बेजुबान है, इन्हें कभी चोट ना पहुँचाए ना कभी इन्हें मारें। तो दोस्तों अब देखो इन जीवों को मुझे छोड़कर बहुत अच्छी खुशी महसूस हुई है,
इन्हें भी अपना बहुत अच्छा हुआ है कि हम खुले जंगल में आ गए। दोस्तों मुझे भी बढ़िया अच्छा लगता है इन बेजुबानों को सुरक्षित स्थान पर छोड़ने के बाद में। दोस्तों मेरा काम आपको अच्छा लगा हो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और दोस्तों जो मेरा वीडियो के माध्यम से मेन उद्देश्य है वो लोगों को जागरूक करना है कि आप कभी भी घबराए नहीं और अपने काम को अच्छी तरीके से करें, नहीं कभी मारे नहीं। तो दोस्तों नंबर पे आप कभी भी संपर्क करोगे मैं तुरंत वहाँ पर पहुँचूँगा। अच्छा कहते हैं दोस्तों कर भला सो हो भला, जय भोले बाबा की जय श्री राम। तंग रहो कोबरा, हाँ कोबरा तो 7 बजे तगड़ा है।